शिमला की मेयर कुसुम सदरेट ने कहा कि शहर में कोई भी रोहिंग्या नहीं है। ठेकेदार ने सबसे कम रेट का टेंडर भरा था। लेबर कहां से लाई गई इसके बारे में नगर निगम को नहीं बताया गया था, लेकिन बिना पहचान पत्र कोई भी काम पर नहीं रखा जाएगा। इस कार्य में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि निगम ने किसी भी रोहिंग्या शरणार्थी को काम पर नहीं रखा है। मेयर ने कहा कि हिमाचल की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह से किसी बाहरी शख्स को काम पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि हिमाचल के लोगों को ही काम पर रखकर रोजगार दिया जाएगा और कंपनी को इस तरफ के लोगों पर काम पर न रखने की हिदायत दी जाएगी। मेयर ने कहा कि निगम ने रोहिंग्या मुसलमानों को काम पर रखने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि न ही हम किसी से मिले हैं और न ही हमने किसी को काम पर रखा है। मेयर का कहना है कि हमारे प्रदेश की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा अभी तक किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखा गया, केवल इसके लिए टेंडर भरे गए हैं। ठेकेदार से बातचीत की जाएगी और अभी 15 जुलाई तक का समय ठेकेदार के पास है। अगर लेबर सही नहीं पाई जाती तो कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सह पार्टी के कर्मचारी छोड़कर भाग गए हैं उनके बदले नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नगर निगम में भवनों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। फिलहाल सूची सभी पार्षदों के पास दे दी गई है। मेयर ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाना उनका लक्ष्य है। हमारे लिए शिमला की सुरक्षा, हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस तरह के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं रखना चाहेंगे और ना ही जो है बाहर के किसी व्यक्ति को यहाँ पर काम देना चाहेंगे। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम हिमाचल के लोगों को ही जो है रोजगार दें, उससे जो है रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे लोगों को काम मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इस पे चर्चा हुई थी और उनको जो है MK कंस्ट्रक्शन करके जो है एक व्यक्ति है उनको जो है ये टेंडर दिया गया था। टेंडर अभी हुआ नहीं है अच्छी तरह से, सिर्फ चर्चा की गई थी कि आप जो है इतने समय में आप लेबर लेके आए और अगर हमें लगा कि अगर हम आपकी लेबर से सेटिस्फाइड होंगे तो आपको हम काम देंगे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये विषय है। और मुझे लगता है कि जो भी ये मीडिया में जो अफवाहें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे भी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से ही मिली है कि इस तरह की अफवाहें चल रही है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नगर निगम ने जो 40 लोग रखे हैं जो कि रोहिंग्या मुस्लिम करके हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई भी यहाँ पर मुस्लिम नहीं है और ना ही अभी काम दिया गया है। जो आउटसोर्स किए गए हैं वार्ड, अभी वहाँ पर जो है सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह के लोगों को रखा नहीं गया है। बिल्कुल हमारा यही प्रयास है कि हम जनता को जो है, जो हमने वादा किया है जनता से कि हम पूरे शहर को जो है साफ़ सुथरा करेंगे, तो उसके लिए जो हमारी प्रक्रिया शुरू है और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है काम करने वाले जो वर्कर हैं डोर टू डोर वाले, वो जल्द से जल्द आएं और जो अपना काम संभालें। पर उसके लिए हम यही चाह रहे हैं बार बार कि यहीं के लोग हों और हिमाचल के ही लोग हों। हम बाहर वाले लोगों को काम नहीं देना चाहेंगे, हम सिर्फ अपने हिमाचल के लोगों को ही जो है रोज़गार देना चाहेंगे ताकि जो है लोगों को रोजगार भी मिल जाए और अपने लोग जो है यहाँ पर काम करें। शिमला से दीपक चौहान। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।